Hello and welcome back to MechZone. I welcome you to this last lecture of engineering mechanics, that is friction. And we have already covered the four important chapters like trusses, forces, Lamy's theorem, free body diagram, impulse and momentum. And before this lecture, we have covered the four lectures. जिसमें हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट सारे एग्जाम्पल्स भी सॉल्व किए रिगार्डिंग द ट्रसेज एंड द फ्रेम्स बाय सेक्शन मेथड एंड बाय जॉइंट मेथड सेपरेटली एंड इन दिस लेसन वी शैल बी स्टडिंग अबाउट फ्रिक्शन एंड सम इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स विच हैव बीन आस्क्ड इन द प्रीवियस एग्जामिनेशंस सो इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड टू आवर चैनल येट काइंडली डू सो बाय हिटिंग द सब्सक्रिप्शन बटन एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट अगर कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आता है तो सबसे पहले वो आपके पास आ सके Okay, and I would also like to request you that kindly suggest this channel to your friends and colleagues so that they are also benefited at the large scale. Okay, because everything is available absolutely free of cost on this channel and you do not have to pay even a single penny. So, today we shall be starting with the topic of friction. So, friction के बारे में already हम लोग अपने junior classes में काफी ज़्यादा पढ़ चुके होते हैं like 11th and 12th में 9th, 10th में मतलब थोड़ा 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 हमने पढ़ा तो होता ही है इसके बारे में सो आई वुड जस्ट सिंपली लाइक टू गिव यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन व्हाट एक्चुअली इज फ्रिक्शन इज तो इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट इफ एनी ऑफ द सरफेस इज ऑब्जर्व्ड वेरी काइंडली वेरी केयरफुली अंडर द माइक्रोस्कोप देन उसका सरफेस जो होगा वो परफेक्टली स्मूथ कभी नहीं हो सकता मतलब एक अगर हम ग्लास का भी सरफेस अगर ऑब्जर्व करें तो उसके भी केस में कुछ ना कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ हमें इररेगुलरिटीज या फिर रफनेस हमें डेफिनेटली वहां पर दिख जाती है और ज्यादा रफ सरफेस मान लीजिए अगर हम एक ग्लास की बात करें और एक वॉल की बात करें तो डेफिनेटली हमारा ग्लास विल बी अ बेटर मतलब जो सरफेस होगा उसका वो बेटर होगा उसमें हमारी रफनेस कम होगी और हमारी वॉल में काफी ज्यादा रफनेस होगी सो ये ऐसा सरफेस दिखता है ये जो हमारे स्मॉल माउंटेन्स ये जो है दीज आर कॉल्ड एज द इररेगुलरिटीज और द प्रोजेक्शंस व्हिच आर प्रेजेंट ऑन दिस सरफेस ठीक है सो अ वॉल में भी मच रफ सर्फेस एज कम्पेयर टू द पॉलिश टेबल टॉप एंड वेन देर इज सम कॉन्टैक्ट और जब ये दो सर्फेसेज आपस में कॉन्टैक्ट में आएंगे तो इनकी ये जो प्रोजेक्शंस है वो आपस में एक दूसरे में क्या करेंगी इंटरलॉकिंग होने लगेंगी और इंटरलॉकिंग अगर ऐसा होने लगेगा देन डेफिनेटली इनके बीच में अगर मोशन की टेंडेंसी हुई तो ये एक दूसरे के मोशन को अपोज करने लगेंगे बिकॉज ऑफ द इंटरलॉकिंग बिटवीन दीज प्रोजेक्शंस सो इनके बीच में जो इंटरलॉकिंग हो रही है उसके कारण जो इसका मोशन रोका जाएगा वो जो रुक रहा है मोशन वो जो रेजिस्टेंस है वो जो ऑब्स्ट्रक्शन है जो इनके मोशन को रोकेगा उसको हम कहते हैं फ्रिक्शन दैट इज कॉल्ड एज द फ्रिक्शन सो फ्रिक्शन इज एक्चुअली ट्राइंग टू अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी ईविल नेसेसरी ईविल मतलब कुछ जगहों पर जरूरी होता है और ये हमारा एक्चुअली ईविल है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन वी कैन नॉट अचीव द एफिशिएंसी ऑफ एनी मशीन इक्वल टू 100% कभी भी किसी मशीन की एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती क्योंकि जो हमारा फ्रिक्शन है ये कभी भी हमारा जीरो नहीं हो सकता ओके तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट बात है हमारी और नेक्स्ट जो है हमारा दैट इज फ्रॉम द राइडिंग ऑफ अ बाइसिकल टू क्लच बेयरिंग्स एक्सेट्रा फ्रिक्शन हमेशा ही हमारे एनालिसिस में इंक्लूड होगा वो बात अलग है कि वी मे इग्नोर द फ्रिक्शन एंड टेक इट टू बी जीरो बट अगर हमें आइडियली लेना हो तो आइडियली आप कभी भी जीरो मान सकते हो बट प्रैक्टिकली आप जीरो नहीं मान सकते इट इज समटाइम्स सपोर्टिव ऑल्सो लाइक इट हेल्प्स टू वॉक ऑन द ग्राउंड ग्राउंड पे हमें वॉक करने के लिए हमारा फ्रिक्शन हमारी हेल्प करता है लेकिन फ्रिक्शन जो है वो हमारा ईविल भी है जैसा कि मैंने आपको बताया कि एफिशिएंसी ऑफ एनी मशीन इज नेवर इक्वल टू 100% इज ओनली बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन एंड फ्रिक्शन इज एक्चुअली ऑफ टू टाइप्स दैट इज द ड्राई फ्रिक्शन एंड द वेट फ्रिक्शन दैट इज विद एंड विदाउट द ल्यूब्रिकेंट इफ वी आर नॉट यूजिंग एनी ल्यूब्रिकेंट देन वी हैव ड्राई फ्रिक्शन एंड इफ वी आर यूजिंग अ ल्यूब्रिकेंट देन वी हैव द वेट फ्रिक्शन So let us take the example of a block which has been kept on the table and this block is being pushed towards the right by applying a force P on this block. And we know that the weight of this block is acting vertically downward and a normal reaction will be exerted by the table on this block in the upward direction. Now since there is some tendency of motion between the block and the table
ठीक है, अगर मान लीजिए आपका फोर्स पी जो है बहुत छोटा फोर्स है तो ये हो सकता है ब्लॉक मूव ना करे, लेकिन अगर आपका ये जो फोर्स पी है ये अपनी एक पर्टिकुलर वैल्यू से एक्सीड कर गया, देन दिस ब्लॉक विल स्टार्ट टू मूव ऑन दिस टेबल, एंड ड्यू टू द टेंडेंसी ऑफ मोशन बिटवीन द ब्लॉक एंड द टेबल देयर विल बी अ फ्रिक्शनल फोर्स विच कम्स इनटू प्ले, एंड फ्रिक्शनल फोर्स इज गोइंग टू अपोज दिस मोशन ऑफ द ब्लॉक ओवर दिस टेबल सच दैट इट इज pointing in the opposite direction or it is actually trying to impede the motion or stop the motion. Now since P and F are having the different line of action, so they will constitute a couple. It may constitute a couple in the clockwise direction. And this W and N are also not in the same line of action, so they will also constitute a couple in the anti-clockwise direction. ठीक है? तो यहाँ पर generally हमारा मैंने बनाया तो है कि normal reactions आगे आ रहा है, लेकिन जनरली हम मान लेते हैं वो सेंटर से ही पास हो रहा होता है. सो ये भी हमारा एक कपल लगाएगा और ये भी हमारा कपल लगाएगा. तो एक्चुअली हमने देखा यहाँ पे कि जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स है वो तभी आएगा, मतलब एनालिसिस में, जब हमारा देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ मोशन बिटवीन द ब्लॉक एंड द टेबल होगा, एंड इट इज ऑलवेज ट्राइंग टू अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स. तो लेट F max is corresponding to the point when the block is on the verge of slipping or the verge of motion. तो मान लीजिए F max हमारा वो point है जब हमारा जो block है वो about to move करने लगेगा, about to slip करने लगेगा. So now here we have drawn a graph between the frictional force and the applied force such that up to a certain point say F max ये हमारा applied force और frictional force दोनों proportional होगा. इस point पे हमारा maximum force हो गया. And this region is called as the region of static friction. And after this, the force is going to decrease a little bit and then it becomes constant. Frictional force hamara constant ho jayega. And the region which is lying away from this line, this is called as the region of the kinetic friction. And this line is representing the impending motion. Matlab iske baad motion is about to start. And it was experimentally observed that the maximum force is directly proportional to the normal reaction. Now, if we remove this proportionality sign, we will introduce a constant and that is called as the mu s. And mu s is actually called as the coefficient of static friction. And Fk is equals to mu k into n, where mu k is called as the coefficient of kinetic friction. And mu k, that is F max, is always greater than Fk such that mu s is greater than mu k, that is the coefficient of static friction is greater than the coefficient of kinetic friction. So in this lecture or in this particular slide, we should definitely remember this diagram, that is the diagram between the frictional force and the applied force, the maximum force which has been obtained. Before the maximum force, we have the region of the static friction, and after this region, we are having the kinetic friction. Now we come to the important laws of friction. Now the important laws of friction states that the frictional force which is developed does not depend upon the area of contact between the surfaces. जैसा कि मान लीजिए हमारा cam and follower था, जब हमारा knife edge follower होता था तो उस केस में बहुत ज्यादा high wear and tear हो जाता था. ठीक है, तो वहां पर इस बात पर depend नहीं हो रहा होता था friction कि हमारा area of contact ज्यादा है या area of contact कम है. एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कुछ भी हो, हमारा डेफिनेटली जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो हमारे एरिया पे डिपेंड नहीं करता. ठीक है, तो वो हमारे एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा. इट डिपेंड्स ओनली अपॉन द नेचर ऑफ द सर्फेसेस ऑफ कॉन्टैक्ट और रादर द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. तो हमारा जो फ्रिक्शन फोर्स है इट इज डिपेंडिंग अपॉन द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. ओके, नाउ डिफरेंट सर्फेसेज हैव द डिफरेंट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक पॉलिश्ड टेबल टॉप जो है वो हो सकता है उसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम हो, और हमारे जो वॉल है उसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा हो, या किसी और जैसे स्टील का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कुछ और हो सकता है, ग्लास का कुछ और हो सकता है, आयरन का कुछ और हो सकता है. एंड फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन एट द सर्फेस ऑफ कॉन्टैक्ट. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल फोर्स एट द नॉर्मल रिएक्शन एट द सर्फेस ऑफ कॉन्टैक्ट. एंड द फोर्स रिक्वायर्ड मोस्ट in the motion of the body is more as compared to the force required to move the body further. ठीक है, उस body को further चलाने के लिए हमें force की requirement होगी, और the force required for the motion of the body is more as compared to the force required to move the body further. मतलब इस point के बाद further हमें move कराने के लिए force की requirement कुछ और होगी, और body का motion impend कराने के लिए हमारी power कुछ
और होगी, ठीक है। तो ये तो था हमारा लॉज ऑफ फ्रिक्शन। नाउ वी कम टू द टॉपिक ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब वही मान लीजिए हमारा ये ब्लॉक है, ये हमारा टेबल है, सच दैट ये हमारा नॉर्मल रिएक्शन है, ये हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है, एंड आर इज द रिजल्टेंट बिटवीन द फ्रिक्शनल फोर्स एंड द नॉर्मल रिएक्शन, सच दैट दिस इज एंगल फाई, एंड दिस एंगल फाई इज एंगल बिटवीन द नॉर्मल रिएक्शन एंड द रिजल्टेंट फोर्स, वेयर आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, ठीक है। सो यहां पर एक ये ब्रैकेट थोड़ा गड़बड़ लग गया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आई विल री करेक्ट दिस ब्रैकेट, यस नाउ इट इज करेक्ट। तो हमारा जो अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर विल गिव अस द रिजल्टेंट, सच दैट tan phi is equals to f upon n, and f is equals to mu into n था, तो mu into n upon n, nn cancel हो जाएगा, आंसर आ गया हमारा mu, तो phi is equal to tan inverse mu, so this angle phi is called as the angle of friction, ठीक है, यही हमारा angle phi, हमने क्या बोला, this is called as the angle of friction, okay, and if the block is rotated by 3, अब हमारा आता है friction cone, तो मान लीजिए अगर ये हमारा जो ब्लॉक है इट इज रोटेटेड बाय 360 डिग्री, इसी व्यू मतलब इसी प्लेन में हमारा 360 डिग्री से हमने चाहे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर लिया, तो हमारा जो रिजल्टेंट है ये भी हमारा रोटेट हो जाएगा, और इसके रोटेशन से इट विल जनरेट अ कोन, ठीक है। और इसी कोन को हम क्या कहते हैं, द कोन विच इज जनरेटेड बाय द रोटेशन ऑफ दिस आर और द रिजल्टेंट, दिस इज कॉल्ड एज द फ्रिक्शन कोन। और फ्रिक्शन कोन एक हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन के करस्पॉन्डिंग होगा, एक हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन के करस्पॉन्डिंग होगा, और हमें ये बात याद रखनी है कि म्यू एस इज ग्रेटर देन म्यू के, एंड देयरफॉर फ्रिक्शन एंगल करस्पॉन्डिंग टू द स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन द फ्रिक्शन एंगल करस्पॉन्डिंग टू द काइनेटिक फ्रिक्शन। सो ये हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है पर्टिकुलर इस स्लाइड में। तो करस्पॉन्डिंग टू म्यू के वी गेट द काइनेटिक कोन ऑफ फ्रिक्शन, एंड करस्पॉन्डिंग टू म्यू एस वी गेट द स्टैटिक कोन ऑफ फ्रिक्शन। And there is one note point, for static bodies in equilibrium, the resultant of force of body always lie within the cone. Hamesha wo within the cone hi lie karega. Therefore, the static body on the verge of motion, the resultant force lies on the surface of the cone. Toh verge of motion ke liye, hamara resultant will lie on the surface, whereas static ke cases mein, wo cone ke inside hi rahega. Toh ye bhi question ho sakta hai, pucha jaye, aapko cone ke inside agar de diya gaya, तो पूछेगा द बॉडी इज इन मोशन, द बॉडी इज, या चार ऑप्शन हो सकते हैं, मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, मूविंग विद अ वेरिएबल वेलोसिटी, मूविंग विद जर्क्स, या एक हो सकता है बॉडी इज स्टैटिक। सो करेक्ट आंसर वुड बी बॉडी विल बी अ स्टैटिक वन। नाउ वी कम टू द टॉपिक ऑफ एंगल ऑफ रिपोज। इसमें मान लीजिए हमने क्या किया, ये हमारे पास एक इंक्लाइंड स्लैब है जहां पर हमने अपने ब्लॉक को रख दिया है, ठीक है, सच दैट दिस स्लैब और सॉरी दिस इंक्लाइंड स्लैब इज इंक्लाइंड एट एन एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। सो करस्पॉन्डिंग टू दिस एंगल हमने क्या किया, धीरे 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 करते हुए एंगल बढ़ाते गए, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब हमारा मोशन जस्ट अबाउट टू स्टार्ट हो जाएगा, तो उसी पॉइंट पर जो हमारा एंगल होगा दैट विल बी कॉल्ड एज द एंगल ऑफ रिपोज, एंड दिस एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल इज कॉल्ड एज द एंगल ऑफ रिपोज। मतलब वही एंगल जहां पर मोशन हमारा जस्ट स्टार्ट होगा, दैट पर्टिकुलर एंगल विल बी कॉल्ड एज द एंगल ऑफ रिपोज। नाउ वी विल ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस बॉडी सच दैट द वेट इज डब्ल्यू, एंड इफ द वेट इज डब्ल्यू द नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग इज एन। We have, since this block has the tendency to slide downward, therefore friction will act in the opposite direction. That means friction is acting in the upward direction. By simple geometry, if this angle is alpha, this angle is also alpha. Now, n is equals to w cos alpha, and f would be equals to w sin alpha. That means w cos alpha would be along this line, and w sin alpha would be in this line. Ye ho jayega hamara W sin alpha, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा W cos alpha. So F is equals to mu n होता है, तो mu n is तो यहाँ पे इधर ले आए, mu n minus W sin alpha is equals to zero, and n क्या हो जाएगा हमारा, we will keep n as W cos alpha. So mu into W cos alpha is equals to W sin alpha. तो W कट गया, तो tan alpha is equals to mu. तो alpha is equals to tan phi because mu is equals to tan phi. So alpha is equals to phi, where alpha is the angle of repose and phi is the angle of
फ्रिक्शन. तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो हमें मेमोराइज करना है. ओके, नाउ वी विल डिस्कस एन इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल व्हिच हैज बीन आस्क्ड इन वन ऑफ द एग्जामिनेशंस, एंड इन दिस न्यूमेरिकल वी हैव टू फाइंड आउट द फोर्स व्हिच इज रिक्वायर्ड टू पुल द ब्लॉक, एंड देन वी हैव टू फाइंड आउट द फोर्स व्हिच इज रिक्वायर्ड टू पुश द ब्लॉक. सो लेट अस कंसीडर द फर्स्ट केस, दैट इज फॉर पुलिंग द ब्लॉक. नाउ अ फोर्स पी इज एक्टिंग एट एन एंगल 5 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल. ओके, so we will first draw the free body diagram, and in this free body diagram we have the weight which is acting vertically down, then we have the normal reaction N, the frictional force, since the motion is taking place in the rightward direction, the frictional force will be acting in the opposite, that is the leftward direction, and this is mu into N. Okay, so now we will take the equilibrium, that is summation of forces along the x direction is equals to 0, and the summation of forces along the y direction is equals to 0. So, and the summation of forces along the vertical direction should also be 0. So, W, that is the downward force, is equals to N plus P sine phi, because P cos phi will be in this direction and P sine phi will be acting upwards. So, this is we are getting from the equilibrium of forces along the vertical direction. And then we have P cos phi is equals to mu into N, because P cos phi will be acting in this right direction and mu into N is in left direction. So from here we come to know that R, that is the resultant force, this is N. So N is equals to P cos phi upon mu, and the value of W, that is if we keep N is equals to P cos phi upon mu in the first equation, we will obtain W is equals to P upon mu cos phi. तो यहाँ पर जो हमने देखा हमारा N है, this R नहीं था, ये N था. N is equals to P cos phi divided by mu, and W is equals to P cos phi upon mu plus P sin phi. मतलब N की value हमने यहाँ से उठा के यहाँ पर put कर दी, तो हमारा जो मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल द ब्लॉक आ गया, दैट इज इक्वल टू डब्ल्यू म्यू डिवाइड बाय कॉस फाइव प्लस म्यू साइन फाइव. तो ये तो था हमारा द मिनिमम फोर्स व्हिच इज रिक्वायर्ड टू पुल द ब्लॉक. नाउ सेकंड पार्ट जो हमारा फॉर पुशिंग द ब्लॉक, वी विल इन्वर्ट द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इन द अपवर्ड. मतलब इसको हमने अब पुशिंग के लिए कर दिया, और पुशिंग के लिए करने के बाद हमने सारे एनालिसिस सेम लगा दिए, और वी विल ऑब्टेन द वैल्यू एज P इज इक्वल टू म्यू डब्ल्यू डिवाइडेड बाई कॉस फाइव प्लस म्यू साइन फाइव. सो द आंसर इज कमिंग आउट टू बी W म्यू डिवाइडेड बाई कॉस फाइव प्लस म्यू साइन फाइव फॉर पुशिंग द ब्लॉक. एक्चुअली देर इज सम एरर हियर, वी विल ऑब्टेन द माइनस साइन. ठीक है, ये हो जाएगा हमारा माइनस साइन, यहाँ पे प्लस नहीं होगा. नाउ दिस इज द करेक्ट आंसर, दैट इज P cos, यहाँ भी हमारा माइनस हो जाएगा. So the minimum force which is required to push the block is coming out to be W into mu divided by cos phi minus mu sin phi. So अगर आप चाहें तो ये results को directly भी याद कर सकते हैं, वैसे तो मैं recommend नहीं करूँगा कि आप इन्हें directly याद करें. You can simply derive these equations in the examination by simply considering the equilibrium of forces along the horizontal and the vertical directions. Now let's come to the last example of this lecture, where we have a block such that this block is resting on a horizontal floor, and a force P is being applied at a distance h from the ground. This block is having a mass of 100 kg and it is resting on the floor, such that the coefficient of friction between the block and the floor is 0.4 units. So first we have to determine the magnitude of the force P which is required to push the block towards the left direction, and secondly we have to determine the value of h so that there is no tipping, or so that the block slips without any tipping. Okay, so let us go for the solution of this question. Okay, so in this particular question we see that P should be greater than or equals to mu into N. Okay, agar isko directly hame पुश करना है तो P should be greater than or equals to mu into N, क्योंकि अगर P हमारा greater हो जाएगा या equal to हो जाएगा तो उस condition में हमारा block just इस पे slip करने लगेगा. So mu value has been given as 0.4 and N, that is the normal reaction, would be equal to the weight, that is M into G. M has been given as 100 kg and G की value हमें 9.81 newton लेनी है. So
this is giving us the answer as 392.4 Newton, and this is the minimum force which is required to slip this block on this rough floor. Now, tipping condition simply means that our block hai, it will be in raised in such a manner that it will make some angle with the horizontal. मतलब ये खाग ऐसे लुढ़कना नहीं चाहिए, क्या मिनिमम हाइट होनी चाहिए, एच ई हमारा लुढ़के नहीं. तो उसके लिए what we are doing is we are considering the moments. और moment क्या होगी, अब देखिए इस weight के कारण हमारी एक moment आएगा और इस p के कारण हमारा moment आएगा. तो इस p के कारण जो moment होगा that would be anti-clockwise, and because of this w we are going to have a moment of or of this clockwise moment. So now to avoid the tipping condition, the moment generated by W should be greater than the moment generated by P. तभी तो हमारा ये tipping बचा पाएगा. अगर moment generated by P ज़्यादा बड़ी हो गई, तो definitely it will be tipped. तो उसको बचाने के लिए the moment generated by W, that is W into 0.4, it should be greater than or equals to P into H. Now W into 0.4 हम कर देंगे और P की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो H should be less than or equals to 1 meter. तो height should be less than or equals to 1 meter if we have to prevent the tipping of this block. So with this particular example, we come to the end of this entire series of engineering mechanics, and I hope that you people have really enjoyed by studying at our channel MechZone, which is providing absolutely free of cost education to each and everyone across this globe with the aim of producing the largest repository for mechanical engineering on YouTube, जो कि कोई भी चैनल अभी तक प्रोवाइड नहीं करवा पाया है. वो क्वालिटी लेक्चर्स और स्टडी मटेरियल हमने फ्री ऑफ कॉस्ट अपने सारे व्यूअर्स को प्रोवाइड कराए हैं. तो हम आपसे सिंपली बस यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपने फ्रेंड्स और कलीग्स को जरूर हमारे चैनल के बारे में बताइए, ताकि उनको अच्छे से बेनिफिट मिल सके और वो भी प्रेस्टीजियस एग्जामिनेशंस लाइक गेट, एसएससी, जेईई एंड ईएससी की हमारे साथ तैयारी कर सके. सो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर योर वंडरफुल कोऑपरेशन एंड योर व्यूज एंड योर लव एंड द सपोर्ट दैट यू हैव शोन टुवर्ड्स अस. एंड वी विल डेफिनेटली ट्राई टू कीप अप द गुड नेम ऑफ दिस चैनल, एंड वी विल ट्राई टू कीप अप ऑल द स्टडी मटेरियल अप टू डेट एंड ऑल द लेक्चर्स अप टू डेट. एंड थैंक यू सो मच.